हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। मेरा नाम है हरदीप ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आप अटेन करते हैं। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे जब हमें बजट लाइन भी दी हुई है और इंडिफरेंस कर्व भी दी हुई है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की पता लग सके। ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर जाइए, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की वीडियोज देखिए, तभी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़िएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमें इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है। ठीक है, इंडिफरेंस मैप हमें क्या बताता है? इंडिफरेंस मैप डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व बताता है जिसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस बताई होती है। यानी कि जितनी हाइयर इंडिफरेंस कर्व होगी कंज्यूमर उसे ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि हाइयर इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर को क्या देगी? सेटिस्फेक्शन देगी। कंज्यूमर हमारा क्या होता है? कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो नॉन सेटेटिक होता है। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की सोचता है हर कमोडिटी को, लेकिन वो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर कमोडिटी को नहीं खरीद सकता। क्यों? वो डिपेंड करता है मनी पे और कमोडिटी के प्राइस पे। यानी उसकी मनी कितनी है, कितने वो पैसे खर्च करना चाहता है और कितना उस कमोडिटी का प्राइस है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहीं पे बात आती है फिर बजट लाइन की। बजट लाइन बताती है कि कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी के कॉम्बिनेशन खरीद सकता है अपनी मनी इनकम में। यहाँ जैसे हमने पहले बात की थी, इस बजट लाइन देख लीजिए, इससे पहले वाली वीडियो हमने मनी इनकम ली थी 50 रुपये, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी लिया था 10 रुपये यानी कि एप्पल का, और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी लिया था 5 रुपये। और फिर हमने एक बजट लाइन ड्रॉ की थी जो ये दिखा रही है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अटेन कर सकता है जब वो पूरे 50 के 50 रुपये खर्च कर रहा है। तो वो इस बजट लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, इससे बाहर वो किसी भी पॉइंट को नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उस पर उसको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अंदर का वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो पूरे 50 रुपये अगर खर्च करना चाहता है तो उसे बजट लाइन पे से ही कोई कॉम्बिनेशन खरीदना पड़ेगा। अगर वो अंदर से कोई कॉम्बिनेशन लेता है, अंदर कोई पॉइंट लेता है, तो वो पूरे 50 रुपये खर्च नहीं करेगा, उसे कुछ पैसे बच जाएंगे, तो उसको सेटिस्फेक्शन हाई नहीं मिलेगा। अगर वो हाई सेटिस्फेक्शन करना चाहता है, वो पूरे पैसे खर्च करेगा और बजट लाइन पे से कोई पॉइंट को चूज करेगा। तो अंदर वाला जो भी एरिया है, ये पूरा एरिया है, वो इसमें से कोई चूज नहीं करता, बजट लाइन के ऊपर वाले कॉम्बिनेशन ही चूज करता है। अब हमें इंडिफरेंस कर्व भी पता है। इंडिफरेंस कर्व पता है, इंडिफरेंस कर्व का हमने बात की थी कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि होता है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। और बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, यानी प्राइस ऑफ एक्स दिस साइड एंड प्राइस ऑफ वाई दिस साइड। अब हमारे पास इंडिफरेंस मैप है, बजट लाइन है, हमें पता है कंज्यूमर की मनी इनकम कितनी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कितना है, प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई कितनी है। कंज्यूमर मार्केट में गया कुछ पैसे लेके, और वो क्या करने जा रहा है? वो सारे के सारे पैसे खर्च करना चाहता है, और हम देखना चाहते हैं कि वो कितनी कमोडिटी खरीदेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इन दोनों फिगर्स को हम मिला लेते हैं, एक कॉमन फिगर बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कॉमन फिगर है जिसमें 3 इंडिफरेंस कर्व दी हुई है, आईसी, IC1 एंड IC2, और ये है हमारी बजट लाइन, इसे हम BL कह लेते हैं। ठीक है, BL बजट लाइन। अब ये देखिए, कंज्यूमर, हमने बात की कि कंज्यूमर जो है बजट लाइन पे ही कोई पॉइंट सेलेक्ट करेगा। अब बजट लाइन पे कौन से पॉइंट हैं जो इंडिफरेंस कर्व पे भी हैं? एक तो पॉइंट सी, एक ई और एक डी। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर इन तीनों पॉइंट्स में से किसी को भी खरीद सकता है। इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद सकता है, क्योंकि ये तीनों ही बजट लाइन पे है, कंज्यूमर इन तीनों को अफोर्ड कर सकता है। पहले अगर सी और डी की बात करें, तो हम देख सकते हैं ये दोनों ही, सी बी और डी बी, ये दोनों ही सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, यानी कि रेड वाली आईसी इंडिफरेंस कर्व पे हैं। तो यानी कि सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। तो कंज्यूमर चाहे सी को खरीदे चाहे डी को खरीदे, उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। लेकिन क्या कंज्यूमर सी और डी पॉइंट को खरीदेगा? नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि हमने बात की अभी, कंज्यूमर हमेशा हाइयर इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करता है, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है हाइयर इंडिफरेंस कर्व से। ये हम इंडिफरेंस कर्व वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी। तो कंज्यूमर हाइयर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट ई है, तो कंज्यूमर किसे चूज करेगा? पॉइंट ई को चूज करेगा। अब अगर यहाँ पे इससे हायर में पॉइंट एफ होता, तो क्या कंज्यूमर उसे चूज करता? नहीं चूज करता। क्यों नहीं चूज कर पाता? क्योंकि कंज्यूमर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता था? क्योंकि वो बजट लाइन से बाहर है, उसके बजट से बाहर है। कंज्यूमर किसे चूज करेगा? कंज्यूमर पॉइंट ई को चूज करेगा। क्यों? क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे भी है और वो उसके बजट के अंदर भी है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे इंटीरियर सॉल्यूशन पॉइंट भी कहते हैं। इंटीरियर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसमें कंज्यूमर दो कमोडिटी ले रहा है थोड़ी थोड़ी
मात्रा में। कई बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हमें ऐसी पॉइंट पे भी मिल जाता है जहां पे सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूमर खरीदता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो इसे इंटीरियर सॉल्यूशन पॉइंट भी कहते हैं। तो हमें मिल गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंटीरियर सॉल्यूशन पॉइंट। अब हम कंडीशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। पहला हमने यहाँ पे केस देखा कि जहाँ पे बजट लाइन जो है हमारी वो इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंट है। ई पॉइंट पे क्या है, ई पॉइंट पे क्या खास बात है कि वो बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो बजट लाइन हमारी है मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे जो स्लोप है बजट लाइन का, स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो या आप कह लीजिए कि बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, या आप कह लीजिए मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, दोनों एक ही बात है। क्यों, क्योंकि जब बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व पे, वहां पे दोनों के स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या था, कंज्यूमर ने ई पॉइंट को ही क्यों चूज किया, क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे था। अब सी पॉइंट और ई पॉइंट में क्या डिफरेंस है, सी पॉइंट के कंपैरिजन ई पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व क्या हो रही है, कॉन्वेक्स हो रही है। ई पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व क्या हो रही है, कॉन्वेक्स हो रही है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जब जहां पे बजट लाइन टेंजेंट जाएगी इंडिफरेंस कर्व पे, वहां पे इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स, सॉरी यहाँ बजट लाइन लिखा गया, यहाँ पे क्या आएगा, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इंडिफरेंस कर्व जो हमारे पास है आई सी वन, ये क्या है, कॉन्वेक्स है बजट लाइन के। तो दो कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स अपॉन में पी वाई शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये होती है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है, बजट लाइन मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे टेंजेंसी पॉइंट है यानी कि ई पॉइंट, यहाँ पे बजट हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होनी चाहिए। ये बजट लाइन गलती से लिखा गया है, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बजट लाइन नहीं है, इंडिफरेंस कर्व आएगा, इंडिफरेंस कर्व हमारी जो है कॉन्वेक्स होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हमारी इंडिफरेंस कर्व आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ये दो पॉइंट थे कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर किस तरीके से, जब उसकी मनी इनकम दी गई हो और कमोडिटीज का प्राइस दिया हो, तो किस तरीके से कमोडिटी को परचेज करता है, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कैसे अटेन करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो कैसे अटेन करता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।